Dear students and viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, for uh, new lessons for you people in a form of a video. going to uh, release this video uh, specific on the English test, which is known as test number 5 and today you will learn a, a lot about the english language which are being used for the certain tests of commissioned officers of pakistan armed forces cadet colleges and aero trades like PFNDI, mtd Provost, ground combatier sportsman and civilian test for pakistan air force inshallah we shall give you a lot of information about this english test and ultimately you will be well acquainted and well versed with the forthcoming test and in today's video we have included a lot of questions which have repeatedly uh, notices uh, which has repeat, uh, repeatedly noticed in all the previous 5 years papers so let's proceed to the question number 1

ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी और डी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन की जो स्टेटमेंट मैं आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको दिस कार डज डेन किलोमीटर्स टू ए ऑफ पेट्रोल अब देखें जी कार में अगर पेट्रोल किलोग्राम में डाला जाता तो हम ये कह देते कि जनाब ये जो किलोग्राम वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त है क्योंकि किलोग्राम में तो कभी पेट्रोल नहीं दिया जाता ना डाला जाता है और नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो पेट्रोल है इसको अगर आपने मैयर करना है क्योंकि दैट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म उसको आप मीटर में भी मैयर नहीं कर सकते पेट्रोल को आप किलोमीटर में भी मैयर नहीं कर सकते पेट्रोल को अगर आप मैयर करेंगे तो उसके लिए बाकायदा उसकी जो अकाई है वो लीटर है और लीटर की मदद से आप पेट्रोल की जो एक है पैमाइश है वो आप कर सकते हैं अल्टीमेटली द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन दैट इज़ लीटर कार सॉरी कारोमी टू आ लीटर ऑफ पेट्रोल यानी एक लीटर पेट्रोल में आ लीटर एक लीटर यहाँ पे जो लव्स यूज किया गया है इसको आप आर्टिकल कहेंगे इट इज इनडेफिनेट आर्टिकल जिसका मतलब होता है एक वन यानी के एक लीटर में आपकी जो गाड़ी है वो कितने करती है 10 किलोमीटर का फासला तय करती है वन किलो वन लीटर कंज्यूम करती है और टेन किलोमीटर वो फासला तय कर लेती है ये आपकी कार जो है उसकी कंजम्पशन है जो दुष्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर टू में देखें तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद सूटेबल लेटर्स ये देखें जी अल्फाबेट दिए गए यू पी एंड आई तब आपने देखना है या आई नहीं मेरे ख्याल में ये एल है ठीक है जी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कैपिटल फॉर्म में दिस इज एल एल फॉर लॉन जी जनाब अब हम देखते हैं कि आपका जो दुरुस्त जवाब है वो कौन सा है अब अगर देखा जाए एल यू एन ई ल्यून कोई भी वर्ड नहीं है इंग्लिश जबान में एल पी एन यून कोई भी नहीं है और एल ए एन ई लेन यस ये यहाँ पे आप यूज करेंगे एल ए एन ई लेन का बर्ड यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जिसके मतलब होते हैं गली या स्ट्रीट ठीक है बड़ी आप हाउसिंग स्कीम में जाते हैं लेन नंबर वन लेन नंबर टू लेन नंबर थ्री ठीक है जो बड़े बड़े रोड्स होते हैं वहाँ पे शाराएँ होती हैं उनकी उसको आप लेन का नाम दे सकते हैं जो कि उनकी रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ घरों और फ्लैट्स के दरम्यान में या हाउसेज़ के दरम्यान में जो रास्ते बने होते हैं उनको आप लैन का नाम देंगे कि फ़लां लेन में फलां बंदे का घर वाक़ है में वही क्वेश्चन uh, रिपीट हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल लेटर यहाँ पे आप देखें लफ्स क्या लिखा गया है रीड ये क्या है रीड रीड का मतलब होता है पढ़ना किसी चीज़ को रीड आउट करना दैट इज़ नोन एज इसको आप उर्दू जबान में कहेंगे पढ़ना कहेंगे ठीक है जनाब अब हम देखें पढ़ने के स्पेलिंग बड़े आसान से हैं आर ए डबल ए बी नहीं होता है आर ई ए डी शाबा ये दुरुस्त ऑप्शन है जी आर यू ए डी ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है और ई ए डी ये भी रॉन्ग ऑप्शन है जो दस जवाब है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी तरफ अगर मूव करें तो फिल इन द ब्लैंक देखें आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है ये लव वर्ड क्या है मास्कीटो ये क्या है जनाब मास्कीटो मच्छर को कहते हैं मास्कीटो कैसे कहते हैं मच्छर को ठीक है जनाब ये आपके सामने मैं मच्छर का लफ्स लिख रहा हूँ जो कि आपको काटता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं ज मॉस्टो अब यहाँ पे कैसे लगेंगे एमओ एस ठीक है जी, ठीक है जी यहाँ पे आप कौन सा लफ्स यूज करेंगे एम ओ एस यहाँ पे एस का लफ्स आपने इस्तेमाल की है एस का जो अल्फाबेट है एमओ एस क्यू यू आई टी ओ मॉस्किटो जो ऑप्शन नंबर आप देखें कौन सा है एम ओ एस ये भी नहीं है और एस ए ये भी नहीं है जनाब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है जो दुरुस्त जवाब है आपका एस यू यानी कि पहले एस आएगा और क्यू के बाद यू आ जाएगा जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर फोर का फ्रेंड्स एक और आपके सामने ये एक लफ्स यूज़ किया गया है अगर हम गौर से देखें पी ए आर पी आर ए सी एच प्राच अगर कोई देखें तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है पी एन यू सी एच नाच ये भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है इंग्लिश में मैंने तो कभी नहीं सुना पी सी सी एच पी सी सी एच ये भी किसी किस्म का को कोई लफ्ज़ नहीं है हाँ पी यू एन अगर यहां पे लिखते हैं तो ठीक है पी यू एन लिखे तो ये बनता है पंच पंच मीन किसी को मुक्का मारना ठीक है किसी को मुक्का मारना उसको कहा जाता है पंच किसी के मुंह के ऊपर मुक्का मारना ठीक है कमांडोज होते हैं आपस में लड़ते हैं या कोई भी बंदा लड़ाई झगड़ा कर लेता है तो उसको कहते हैं जी इसने मुक्का मार मारा है ठीक है उसने पंच मारा है दैट इज नोन एज अगर आप गौर से देखें तो एक लफ्ज़ यूज किया जा रहा है आपके सामने वाई आई वाई आई ई एल डी ठीक है जी इसको अगर आप देखें तो ये यील्ड का लफ्स है जो स्पेलिंग है यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे ई आता है वाई आई ई एल डी एप्शन जो है ये भी बिल्कुल रॉन्ग है ठीक है जी और उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी रॉन्ग है ऑप्शन नंबर डी ये भी रॉन्ग है जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ई है जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई है तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है ठीक है जी यील्ड का मतलब होता है कि पैदावार किसी किस्म की प्रोडक्शन होती है ठीक है या उसके बाद मुद्दत को कम कर देना ठीक है गिव इन एज टू इन्फ्लुएंस और प्रेशर सॉरी शिद्दत को कम कर देने को भी आप यील्ड कहते हैं ठीक है, है उर्दू में मैंने आपको बता दिया बी द कॉज ऑफ सोर्स ठीक है गिव आर सप्लाई कोई चीज़ प्रोवाइड करना कोई चीज़ मुहैया करना पैदावार देना या किसी चीज़ की जो प्रेशर है या शिद्दत है उसको कम कर देना इसको भी आप यील्ड कह सकते हैं ठीक है फसल देने के हवाले से जो है ठीक है पैदावार देने के हवाले से भी आप इसको झील की जो मीनिंग्स है आप ले सकते हैं आंसर नंबर जो इसका सी है वो दुरुस्त ऑप्शन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो कुछ भी आपने पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब जी प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है नीचे द thief वॉज कॉट चोर को पकड़ लिया गया एंड द पुलिस दी स्टोलन गुड्स फ्राम हिम, दी पुलिस कंसर्न ये भी रॉन्ग है पुलिस रिकवर फर्स्ट फॉर्म ये भी रॉन्ग है द पुलिस अटेंड ये भी रॉन्ग है दी पुलिस रिकवर्ड पुलिस ने बरामद कर ली ठीक है रिकवर का क्या मतलब होता है बरामद कर ली अब देखें स्टूडेंट कि इसमें गौर कीजिए यहाँ पे है कॉट ठीक है ये पैसे वाइस है और पास्ट आ, पास्ट टेंस है लिहाजा आप अंदर प्रेजेंट नहीं यूज कर सकते जब भी यूज करेंगे तो रिकवर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ क्वेश्चन की लिहाजा आप जरा गौर से सुने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है डू वट एवर यू लाइक तुम जो कुछ कर सकते हो करो आई एम नॉट एट ऑल कंसर्निंग कंसर्न अटेंड अटेंडिड अब जनाब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग है जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज डू वट एवर यू लाइक तुम जो कुछ कर सकते हो करो जो आपको पसंद है वो आप करो एम नॉट कंसर्न आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न मेरा भी किसी चीज से कोई तल्लुक या वास्ता नहीं है ऑप्शन नंबर बी टीचर कंप्लेन टू दर दन वॉज नॉट टू हिस्सीज ठीक है not जी नॉट के बाद आपने लगाना है जी अटेंडिंग अटेंडेड रिकवर ये बिल्कुल रॉन्ग है सी बी रॉन्ग है वॉज नॉट ये देखिए कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस की बात हो रही है नॉट ठीक है अटेंडिंग ये इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस आप आई एन जी लगाएंगे तो लिहाजा आपका ये दुरुस्त जवाब है नेक्स्ट देखें स्टूडेंट तो इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं है आई एम सीरियसली अबाउट ऑफ माई सिस्टर आई एम सीरियसली आई एम सीरियसली वरीट देखें जी पहला लफ्स है वरी सेकंड है वरीड सेकंड फॉर्म है रिकवर रिकवर्ड ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है और ये भी रॉन्ग ऑप्शन है ठीक है जब आप एम यूज कर रहे हैं या तो कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे तो या तो फिर इसके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपका ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल दुरुस्त होगा ठीक है जनाब ये प्लीज आप नोट करें कि इसमें मिशन थर्ड फॉर्म आएगी एम के बाद पैसिव वॉइस फॉर्म के अंदर देखें कंप्लीट द द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब जी, जी attend, ये है, है, recorded, ये है, और जो दुरुस्त जवाब है वो है रिकवर ऑप्शन नंबर सी जनाब आप लगाएंगे इसमें हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए अपने नुकसानात को पूरा करने के लिए देखें पेरेंट्स ऑलवेज टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स ऑलवेज अटेंडेड जी बिल्कुल रॉन्ग है ऑलवेज रिकवर ये भी रॉन्ग है, ये भी है ये देखते हैं वालदे हमेशा अपने बच्चों की जो जरूरियात हैं वो उनको देखते हैं ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए जो ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्क इसमें भी आपने प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्क यूज करनी है तो उसमें देखें सेंटेंस है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस बिकॉज इट इज मी अब यहां पे जनाब आपने देखना है ये वाली जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है इट रिकवर बिल्कुल भी रॉन्ग है इट कंसर्न ये अटेंडेड और अटेंडेड ये जो इट कंसर्न मी इसका मेरे साथ वास्ता है इस केस में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूं चूंकि इस केस का मेरे साथ वास्ता है तरफ प्रोसीड करें डियर चूज द एंटोनिम ठीक है ये लफ्स ए एन टी ओ एंटोनिम यहां पे टी मिसिंग है मैं यहां पे लिख देता हूं एंटोनिम कहते हैं मुतजाद अल्फाज अपोजिट वर्ड ठीक है अब स्विम जो है ये इसे कहते हैं तैरना स्वयं कैसे कहते हैं जिंदा चीज का तैरना ठीक है मुर्दा चीज की बात नहीं हो रही है ठीक है जिंदा चीज को जिंदा जानवर है या इंसान है पानी के अंदर तैरता है तो उसको हम स्विम कहेंगे ठीक है जी तो अगर इसका आपने अपोजिट लिखना है तो जिंदा चीज का जो अपोजिट है वो क्या है ड्रोन वो डूबना इसको हम कहते हैं डूबना जिंदा चीज का डूबना आप डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ी सी तो और आपकेलम में इजाफा करता चलूं कि जो मुर्दा चीज होती है बेजान चीज होती है उसका तैरना क्या होता है उसको जनाब हम अंग्रेजी जबान में कहते हैं फ्लोट ठीक है बेजान चीज का तैरना यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ किसी बेजान चीज का पानी के अंदर जो तैरना है बेजान चीज का तैरना मैं मेंशन कर देता मैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए चीज का तैरना ये थोड़ा सा माउस की मदद से इतना ही लिखा जा सकता है लेकिन मैं आपको बाय वर्ड्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब यहाँ पे देखा जाए जो जिंदा चीज होती है अगर वो डूबती है तो फिर क्या कहेंगे जो जिंदा चीज का डूबना है जनाब वो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है उसको कहते हैं सिंक उसे कहते हैं सिंक ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए हमारे स्टूडेंट्स को ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं या अपोज़िट वर्ड्स होते हैं उनमें इतनी सेंस नहीं होती कि वो चीज़ों को वेल डिफाइन कर सकें मेजॉरिटी तो माशाल्लाह अच्छी चीज़ें ये जानते हैं ग्रामर के बारे में लेकिन कुछ हमारे अजीज़ तोलबा तलबात ऐसे हैं जो कि मेहनत कम करते हैं तो इसी वजह से चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं तो लिहाजा ये चीज़ नोट कर रहे हैं जिंदा चीज़ का तैरना स्वयं में जिंदा चीज़ का डूब जाना ड्राउन है बेजान चीज़ का तैरना फ्लोट है और बेजान चीज का डूब जाना सिंक कहलाता है लिहाजा यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी है सॉरी uh, यहाँ पे जो दूसरा उन्होंने लगा दिया फ्लोट वाला जो यहाँ पे थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक है इसके अंदर ठीक है जो दुरुस्त जवाब है वो इसका ड्राउन है यहाँ पे आप इस मार्क uh, की तरफ न जाइएगा लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा चूज़ द एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड आपने ढूंढना है एग्री का एग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से राज़ी हो जाना मुतफिक हो जाना किसी की बात मान लेना उसको हम कहते हैं एग्री सूटेबल मुनासिब लिसन किसी बात को सुनना कम्युनिकेट किसी बात को पहुंचाना डिफर मीन इख्तलाफ करना बात न मानना राज़ी न होना ठीक है जी किसी के साथ कि उसके अख्तलाफ रखना या उसकी बात न मानना उसको हम कहते हैं डिफर उसको हम क्या कहते हैं डिफर दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बॉयल बॉयल का आपने एंटोनिम बताना है एंटोनिम क्या होता है मुतजाद अल्फाज होते हैं बॉयल हॉट ये तो उसका बैरल आप कह सकते हैं जी मुतरदिफ है सिमिलर है कोल्ड ठंडा ठीक है जी अब स्टीम भाप फ्रीज जो होता है बिल्कुल बॉयल के मुकाबले में क्या है फ्रीज किसी चीज का जम जाना उबलना और जम जाना दोनों मुतजाद हालते हैं ठंडा जो कोल्ड है ये इसका करेक्ट जवाब नहीं है करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ देखें तो चूज द एंटनिम अपोजिट वर्ड लाइव ठीक है इसको आप लाइव नहीं पढ़ेंगे इसको आप लिव पढ़ेंगे ठीक है जी अगर यहां पे आप इसको लिव पढ़ते हैं तो इसका दुरुस्त जवाब है डाई और अगर यहां पे होता अलाइव ए अलाइव तो फिर आप इसको कह सकते थे कि इसका डेड है अलाइव मीन जिंदा डेड मीन मुर्दा लेकिन यहां पे जो हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 19, choose the correct preposition. जी जनाब आपने दुस्त जो प्रपोजिशन है वो देखने हैं ही हैज नो टेस्ट फॉर दिस म्यूजिक फॉर म्यूजिक टेस्ट फॉर का अफ्स इस्तेमाल करेंगे बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग है टू भी रॉन्ग है और ऑफ भी रॉन्ग है जो दुरुस्त जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट ट्रस्ट इन गॉड होता है ऑन गॉड नहीं करेंगे आप नहीं कहेंगे ट्रस्ट इन गॉड कहेंगे हमेशा आप ठीक है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है।, है और ये भी है ऑप्शन ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट अनफिट फॉर दिस जॉब ऑप्शन नंबर ए जो है दुरुस्त है बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल रॉन्ग है अनफिट फॉर दिस जॉब वो इस काम के लिए इस जॉब के लिए अनफिट है नामोजू इंग्लिश ठीक है जी इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है बाकी तमाम ऑप्शन इसके रॉन्ग है ए भी रॉन्ग है बी भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है दुरुस्त जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी अब देखिए स्टूडेंट्स एक नई चीज़ आ गई है आपके सामने क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो लिहाजा आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहिए ठीक है जी अगर आप कोई आपसे पूछे सबसे पहले तो आपको डेंस के मीनिंग्स आने चाहिए कि डेंस के मीनिंग क्या हैं उर्दू ज़बान में ठीक है जिसको कहते हैं कसीफ़ या गाढ़ा ठीक है कसीफ़ या गाढ़ा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ गाड़ा गाफल्फ गा अड़े अल्फ उड़ा गाढ़ा या कसीफ़ बहुत भारी हैवी ठीक है कसीफ़ का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डेंसिटी आपने पढ़ा होगा फ़िज़िक्स के अंदर आपने इन चीज़ों को आपने साइंस सब्जेक्ट में ये पड़ा होगा तो लिहाजा आपको पता है कि ये डेंसिटी क्या होती है कसीफ या गाढ़ेपन को कहते हैं तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसका अपोजिट क्या है जनाब अपोजिट आप देखिए थिक होता है घना बहुत घना सराउंडेड घरा हुआ होल मीन तमाम और ये होता है पतला ठीक है जो एक होता है घना गाढ़ा कसीफ और एक होता है पतला बिल्कुल हल्का ठीक है उसमें आप इसका लफ्स यूज़ करेंगे थिन का लफ्स यूज़ करेंगे लिहाजा ये दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का मतलब होता है दूर दूर दराज ठीक है जी दूर दराज के मानों में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं फार दूर दराज अब है डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ड्यूटी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग लॉन्ग इट इज इजो रॉन्ग अपोजिट हमने लिखना है नियर वो होता है क्रीप सी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है इसका फाइव अपोजिट वर्ड लिखना है आपने मेजर का मेजर होता है बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा और इसका जो मुतजाद लफ्स है वो है माइनर ठीक exterior, है एक्सटीरियर इसको बैरूनी कहते हैं इंटीरियर अंदरूनी कहते हैं दाखला को इंटरनल भी आप इसको अंदरूनी कहते हैं लिहाजा ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है डी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी इसके अलावा हम तमाम वो वीडियोज़ इंग्लिश की आपके साथ हम शेयर करेंगे वन बाई वन इन डेली बेसिस पे ताकि आपके लम में इजाफा होता रहे और आप अपने टेस्टों में कामयाब हो कामरान हो हमारे चैनल को देखने वाले नए जो सब्सक्राइबर हैं नए जो व्यूअर्स हैं बर मेहरबानी हमारे चैनल शाइन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस सदारिया से और इस फ्री एजुकेशन से बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें इन शाला हम आपको इसी इंतई प्यारे अंदाज में सलीस और आसान अंदाज में आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर देंगे और इन श इनसे सबक हासिल करेंगे इलम हासिल करेंगे और अल्टीमेटली आप पाकिस्तान की जो डिफ़ेंस फोर्सेज हैं जिन जिन्होंने माशा हमारी मुल्की सरहदों की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है उन्हीं फोर्सेज़ का एक आप बेहतरीन फ़र्द बनेंगे खा हाँ आप सिविलियन हों जूनियर कमीशन अफ़सर हों एयरमैन हों अदर रैंक्स के अंदर हों या आप कमीशन ऑफिसर हों इनशल आप हर सूरत में कामयाब होंगे हमारी दुआएँ हमारा ताउन आपके साथ है इसी दुआ के साथ इसी नारे के साथ पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद